ए गाइस दिस इज संडे तीसरा दिन है और हम लेट सोए नहीं लेट भी सोए टाइम पे सोए लेकिन लेट उठे पैकिंग हमने कर ली है लाहौर जाना है रास्ता हल्का फुल्का कर लिया ठीक है इंस्टाग्राम पे स्टोरीज है लिंक डिस्क्रिप्शन में है अभी यहाँ से सारा कुछ उठाएंगे और बाइक पे चलते हैं टाइम टू लीव 12 बजे का एग्जिट था और बिल्कुल वक्त पर हमने बाय द वे रात को अहमद मिलने आया था इस्लामाबाद में रहता है अहमद ही इज़ अ सब्सक्राइबर हम बैठे गपशप लगाई अभी हम इस्लामाबाद में खाना खा रहे हैं बैठे हुए F8 में और अहमद ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि ही वॉन्ट्स टू मीट मी तो मैंने कहा आज यार खाना खाते हैं और अहमद ने मेरी बाइक के साथ अपनी बाइक लगाई है क्या बात है अभी ये ऊपर आएंगे और क्या देख रहे हैं बाइक वो चेक कर रहे हैं स्टिकर जो आपने लगाया रूम से निकलने से पहले सारा कुछ चेक कर लें कि एवरीथिंग इज़ अकाउंटेड फॉर ठीक है बाद में ये ना हो कि आप कहें कि यार कुछ रह गया ओके टाटा बाय बाय चेक आउट हो रहा है चेक आउट अच्छा अच्छा अभी बैग लगाएंगे बाइक पे सामान पैक हो गया भाई आप इनको मैंने ही करना था पैक और एक सब्सक्राइबर भी मिला ये आ गया जी बोलो हाँ जी अदनान भाई आप क्या कर रहे हैं बाइक के साथ भाई इसको एक फेयरिंग का जो स्क्रू है वो लूज हो गया था और दो ये स्क्रू यहाँ से लूज हो गए थे तो मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले ना इनको टाइट कर लें कहीं ये खुद फिर लूज ना हो जाए वैसे भी ये चेक भी हो गए हाँ ये भी बाइक के अंदर से देखें क्या लिखा हुआ है 302R 300 डिस्प्लेसमेंट है प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है और ये इसका अंदर का जो है माहौल है ये जो गंदी चीज़ होती है ना ये आपकी बाइक का प्राउड होता है फ़ख्र ठीक हो क्या तो मौसमी असरात के पेश नज़र बल्कि बातें करते करते क्या किया सब्सक्राइब करते करते सब कुछ खोला किट निकाली उसको टाइट किया और किट बाहर रहने दिया और सब कुछ बंद कर दिया अब क्या करना है अब ये घर जाके दोबारा बंद होगी होता है ऐसे दो दिन नींद पूरी ना हुई हो ना तो फिर चलता है काम ऑलमोस्ट पैक्ड मेरी बाइक तो फुली रेडी है सामान इतना था ही नहीं सफा लेकिन सामान कम हो बाइक पे तो मज़ा नहीं आता फीलिंग नहीं आती कैंप टूर पे यहाँ कैंप लगाओ स्लीपिंग बैग पड़ा हो चेयर पड़ी हो और सारा कुछ तो चूँकि एक एक दिन का टूर था रात को स्टे था तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी कैंप्स वगैरह की हमने सोचा कि फैसल मस्जिद नहीं गए तो फैसल मस्जिद चले जाएं और फ़ोटो ले लें फ़ोटो वहाँ जाके अब आए हैं तो फैसल मस्जिद के आगे तो फ़ोटो बनती है ना सब सो दिस वाज आवर होटल कॉल किसकी आ गई है जी मिस अच्छा फ्यूल डलवाया हुआ है कल का यहाँ से एक्सप्रेसवे के पहले जो आता है रेस्टोरेंट वहाँ से हम मुजफ्फराबाद गए पीर चनासी गए और फ्यूल की जो सिचुएशन है वो अभी तक की है ठीक है आप रास्ते में डलवाएंगे जहाँ रुके क्योंकि बनाली में भी डलना है पेट्रोल और क्या हाँ ठीक है लेफ्ट पर होगी बिल्कुल सामने फैसल मस्जिद ओ यस तो इस्लामाबाद को एग्ज़िट करने से पहले हमने सोचा कि फैसल मस्जिद की दीदारियत कर ली जाए तो खूबसूरत सीन है ओके तो इंस्टाग्राम पे लाइव चले गए चार बंदे थे देखने वाले क्योंकि सो रहे थे लोग तो अभी अभी से हम कभी लाइव नहीं गए तो या अब अभी पीछे ज़रा फ़ोटोज़ निकालें चले
ओके यार, बड़ा शुक्रिया हमारे जवानों का, इन्होंने हमें यहाँ रुकने दिया, नहीं तो गाड़ियों का तो फटाफट कह रहे थे कि साइड पे हो जाओ यार। म्यूज़िक सुनना भी ज़रूरी है यार। एक मफिन सॉन्ग है, मफिन, ये दिस इज़ अ मस्ट लिसन। मैं इसे लगा नहीं सकता ऑब्वियसली कॉपीराइट से, बट इट्स अ सॉन्ग वर्थ लिसनिंग। अगर आपका जहन जो है ना वो अफसुरदा हुआ है, इफ़ यू फीलिंग डाउन, इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, तो जस्ट गो लिसन टू दिस सॉन्ग। तो वेल, आई एम नॉट इन टू मोन्यूमेंट्स, अगर कोई और होगा तो वो अंदर जाएगा और देखेगा। दूसरा इफेक्ट ये भी है कि हम बाइक को पार्क नहीं कर सकते, आप सबको पता होगा टूर्स पर बाइक पार्क नहीं की जा सकती अकेली। अगर हम ऐसे कोई जाना चाहे भी तो बाइक के पास एक बंदा रहेगा और बाकी अंदर जाएंगे, ठीक हो गया, जो कि अब नहीं किया जा सकता वक्त की कमी की वजह से और हमारे डिस इंटरेस्ट की वजह से। ये दरख्तों का जो रंग है ये आपको इस्लामाबाद में मिलता है, क्योंकि सर्दियां जा रही हैं और बाहर आ रही है तो दरख्त जो है वो ब्लूम कर रहे हैं, या इस रोड विल गो स्ट्रेट और बस अब हम सीधा 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 चलते जाएंगे। One death to society later. आगे एक वाइफ यार खड़ी है। तो कल चाय पे बात हुई थी तो आज ना मैंने खुद बाइक रोकी है कि चलो चाय पीते हैं, तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। नुमान भाई आपकी बाइक खड़ी हुई है, अहमद की भी। हाँ वजी भाई देख रहे हैं। वजी भाई थैंक यू सो वेरी मच, उन्होंने मुझे नोटिस बात करवाई थी कि ये जो नाटा है ना यहाँ, हाँ ये लूज हो गए थे। अच्छा, इनके उम्र मुझे नहीं पता चला, उन्होंने नोटिस किया था ये चीज़। अब क्या हुआ है उसकी वजह ये है कि जो हैंडल बार एंड वेट्स हैं ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हैं, ठीक है, जो इसके ओरिजिनल वेट हैं इनका वजन उस ओरिजिनल वेट से कम है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेशन आ गई है इस एंड की वजह से, जो दो, ठीक है ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से। कैसे आप? ठीक, अलग। तो अगर आपने इसको इंस्टॉल करवाना है एंड जो है वेट, तो आप उसी वेट के जो इसके साथ स्टॉक में आता है, हाँ सेम वेट के, वेट वही होना चाहिए इंस्टॉल करें ताकि वाइब्रेशन ना आए। अच्छा अच्छा, नुमान भाई आपकी बाइक खड़ी हुई है यहाँ, अहमद आपकी, और जिस चीज की है, अंकल भी, हाँ टूर करते हैं, जबरदस्त। हम कल गए थे पानी गए, अच्छा जाता रहता हूँ मैं, तोली पीर गया था मैं लास्ट टाइम, ठीक है तोली पीर वहाँ बट हूँ अभी दिसंबर में। अच्छा, जब थोड़ी सी देर आप बट जाओ हो गया, नाड़ी बंदे भी आते ना तो वो लिख हुआ है ब्रेक नहीं मारना बर्फ में और क्लच नहीं देना, बिल्कुल फिर आप चलते जाओ। हाँ जी, ऐसे कॉन्स्टेंट स्पीड जरा साइड पर। आसान जी, कैसे हैं? आसान, किधर जा रहे हैं जी? वापस लाहौर जा रहे हैं हम, कश्मीर गए थे। वो आरिस भाई आए थे उनके पिछले, जब गए थे वो लड़का गिरा था उनका पिंडी में। ये एयर पंप है ना? वो मैनुअल, जो मैनुअल मैनुअल, बाकी ग्रुप में था वो इलेक्ट्रिक। अभी हम नो बाइक्स थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अरे बस हम निकल के होगा अभी, चाय पीने के लिए रुके हैं और यहाँ कुछ बाइकर्स मिल गए थे, एक अंकल वाई बी आर पे, यार थम्स अप वाई बी आर पे, काफ़ी दूर तक गए हैं तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं। वो कहते हैं हारिस भाई से मिले हुए, आप अकीक भाई से मिले हुए हैं, तो गपशप हुई उससे और हेलो आई किया। अम्मी का फ़ोन उठाना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो वाई बी आर है मैं 115 पे था और ये मेरे ख्याल से 120 पे थी, क्योंकि 5 का इतना थोड़ा सा डिस्टेंस था। अच्छा, ये आपकी वाई बी आर जो है ना 120 तक जाती है, क्योंकि 115 पे मैं था और ये मुझसे आगे था। ये सरप्राइजिंग है वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 110 तक गई है मैक्सिमम। क्वेश्चन तैयार कर लो अब, एक एक आना क्वेश्चन, ट्यूनिंग कितनों करा दे वो बता दूंगा मैं, गज्जू मता से करवाता हूँ लेकिन एवरेज 536 फ्यूल रिजर्व तक, यानी 11 लीटर में 536 किया, और आप कह रहे हैं कि स्पीड भी 120 19-20 है इसकी, क्योंकि 115 मेरी थी तो ये मेरे से आगे। बेहतरीन है ये तो, फिर बेहतरीन है, चलो फिर रेस लगाते हैं।
चलो यार ये भी अच्छा, इसके मीटर का इशू लोग कहते थे लेकिन अदनान भाई ने कहा है कि इसका मीटर का इशू नहीं है, उनके मीटर के साथ सिंक हो रही है बाइक और उनके उनके बाइक से तेज़ भी है। तो ये लीजिए फिर सीन ऑन है, हैं अब चलते हैं, ढाई हो गए तो अभी गुजरात जाकर रुकेंगे। ओ YBZ जा रही है, YBZ इन बाइक को हमने पीछे भी देखा था, बहुत पीछे, तो ये यानी इसी स्पीड से आ रहे हैं, गुड, मुनासिब स्पीड पर क्रूज़ करते हुए मौसम को इंजॉयज कर रहे हैं, इंजॉयज। गुजरात हमने रुकना, गुजरावाला राखवाली कैंट है, ये कैंट के अंदर नहीं जा रहे हम, जैद भाई से मिलना है, बड़ी मुद्दतों का गिला था इनका कि मेरे पास आओ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आज़ाद भाई, ठीक हैं? नहीं नहीं अभी नहीं, कसम से अभी नहीं, अभी हम बहुत भागम भाग आ रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे तो। नहीं नहीं आपकी नींद खराब की है बस। नहीं चलो दोबारा। मनाली की ऑफ रोडिंग चल रही है और खुदा खुदा करके ने याद आ गया कि ये रोड भी बनाना है, ठीक है, लेकिन ये गलत है वैसे, एक एक साइड बना लेनी चाहिए थी और उसके बाद दूसरे को मलियामेट करना चाहिए था, लेकिन चलो कुछ कर तो रहे हैं। हाँ यार क्या टाइम हुआ है, 7:15 हो गए और मैंने शादी पे जाना है, अभी लाहौर पहुँच गए, इतनी देर इस्लामाबाद से शेखुपुर आने लगती है, इतनी देर शेखुपुर से लाहौर आने लगती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, और यहाँ से अदनान भाई जो है वो चले जाएंगे अपने घर, मैं चला जाऊँगा अपने। अदनान भी मज़ा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया।